क्रिश्चियन समाज का थाने में नंगा नाच, झूठा आरोप लगाया था कि यहाँ पर धर्मांतरण होता है। इन सारे लोगों को अगर समय रहते रोक लिया जाए, वोटिंग के टाइम पर उनको सबका मत चाहिए। अगर ये हमारे साथ ना होते हुए और किसी समाज के साथ हुआ होता, मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने हम आंदोलन करेंगे। भाई, एक रीवा में मामला सामने आया था कि फादर लोगों ने धर्मांतरण करवाया है, ऐसा मामला था। उसको लेकर 22 अगस्त को आपने मुमरा के सीनियर पीआई न्यूनति कोलटकर आपको मुलाकात की और निवेदन भी दी थी, उस पर कोई आश्वासन नहीं मिला आपको। आज फिर आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे, वहाँ पे फिर सीनियर से मुलाकात की, क्या पूरा मामला है, क्या आश्वासन दिया आज? देखिए, पिछली 18 तारीख को हमारा दीवा में एक प्रार्थना स्थल है, वहाँ पर कुछ लोगों ने आकर झूठा आरोप लगाया था कि यहाँ पर धर्मांतरण होता है, जिसके विषय में पुलिस ने इंक्वायरी की और कोई भी ऐसा मामला सामने आया नहीं। सुदर्शन बोलकर न्यूज़ है, उन्होंने न्यूज़ पर चलाया क्रिश्चियन समाज का थाने में नंगा नाच, और जो हमारे जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो है उसके सामने खड़े रहकर धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए उन्होंने वीडियोस बनाए, जिसके ऊपर पिछली 22 तारीख को हमने मुमरा पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर कोलटकर साहब के पास में एक पत्र दिया था और उनसे मांग की थी कि जिन्होंने झूठा आरोप लगाया है उनके ऊपर कार्रवाई, प्रतिबंधक कार्रवाई हो, और 295 हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विषय में 295 ए और अलग अलग हमने ऐसे IPC लगाने के लिए उनको कहा था प्रतिबंधक कार्रवाई करने के विषय में। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द जो भी कायदे में होगा उस चीज़ को हम करेंगे, लेकिन पिछले 18-19 दिन निकल जाने के बाद भी अब तक आज तक उस प्रकार की प्रतिबंधक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने मुलाकात की, मुलाकात कर हमने उनको पत्र दिया है और पत्र में पत्र दिया जी आज वापस हमने पत्र दिया और पत्र में हमने उनसे मांग की है कि उन पर जल्दी कार्रवाई की जाए, नहीं तो आने वाली 23 तारीख को मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने हम आंदोलन करेंगे। आज जब आपने मुलाकात की तो कार्रवाई को लेकर पुलिस के तरफ से क्या बताया गया? जब भी हमने आज मुलाकात की है तो सीनियर साहब ने बताया कि 2-3 दिन के अंदर ये जो YouTube पर वीडियो चल रहा है इसको हम निकलवाएंगे, और जो रिपोर्टर है जिसने ये झूठी रिपोर्ट चलाई है उसको नोटिस देकर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से मेरा संपूर्ण लोगों को और डिपार्टमेंट को यही कहना है कि यहाँ पर हमारी धार्मिक भावना आहत हुई है। अगर ये हमारे साथ ना होते हुए और किसी समाज के साथ हुआ होता तो अब तक FIR दर्ज की जा चुकी होती, लेकिन क्रिश्चियन समाज शांति प्रिय समाज है, इसलिए उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति से डिपार्टमेंट की तरफ से दबाया जाता है। नोटिस दे दिया गया है या अभी दिया जाएगा? जो लोगों ने उसमें बाइट दी है उनको नोटिस दिया जा चुका है, उनके ऊपर NC की गई है। किस चीज़ की नोटिस? शायद 149 की नोटिस दी है, मुझे उतनी जानकारी अभी तक उसके विषय में नहीं है। और क्या NC की है? यस, उन्होंने सीनियर साहब ने मुझे बताया है कि उनको नोटिस दी गई है और रिपोर्टर को नोटिस देकर उनके कार्यालय में 1 दिन के अंदर हाजिर करने के लिए उन्होंने अपने अधिकारी को मेरे सामने फ़ोन कर कहा है। तो अगर आप लोगों के ये पूरा मामला चल रहा है, अगर FIR नहीं होती है सुदर्शन चैनल पे, वो वीडियो डिलीट नहीं होगा, तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम आंदोलन का, लोकशाही का जो एक मार्ग है आंदोलन का, वो आंदोलन होगा। हमारा कहना यही है कि इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले, भाषण करने वाले लोग, हेट स्पीचेस देने वाले लोग, इन सारे लोगों को अगर समय रहते रोक लिया जाए तो भारत देश का या मुमरा का या हमारे ज़िला का धार्मिक माहौल ख़राब नहीं होगा। इससे पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि एक लोक प्रतिनिधि कहीं पर आता है और वो जब हेट स्पीचेस देता है तो उससे पूरा माहौल बिगड़ता है। एक लोक प्रतिनिधि हिंदू का भी वोट लेता है, मुस्लिम का भी वोट लेता है, क्रिश्चियन का भी वोट लेता है और सिख का भी वोट लेता है। वोटिंग के साम टाइम पर उनको सबका मत चाहिए, लेकिन जब वोटिंग्स होने के बाद में वो समाज में डिवाइडेशन डालते हैं और इनका उत्साह ऐसे समाज कंटकों का तब बढ़ जाता है जब पुलिस ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। अगर समय रहते ही दीवा जैसे मामले में कार्रवाई की जाए, प्रतिबंधक कार्रवाई की जाए, तो फ्यूचर में वो कभी इस प्रकार के काम को नहीं करेंगे, समाज में वाद विवाद नहीं डालेंगे।
तभी तो पुलिस ने आपको कहा है, पिछले 20 दिन पहले भी कहा था, अब फिर उन्होंने कहा है 2-3 दिन के अंदर वीडियो अगर निकालते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई, जो प्रतिबंधक कार्रवाई होना चाहिए वो ना होने पर हमारा आंदोलन पुलिस स्टेशन के सामने होगा।